नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार है। ग्राम तुलसी बीघा राखी ग्राम संगठन का मैं VRP हूँ और यहाँ SWI का खेती, गेहूँ की खेती पिछले सालों से चल रही है और यहाँ पे आज बुआई का भी कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए सभी दीदी से आज कुछ हम लोग सीखेंगे। गेहूँ बुनने जाए थो? हाँ ना बुनने जाए, इतना मैंने गेहूँ कहा ला बर्बाद कर। सर 300 ग्राम के बुनो ना, सब दीदी जीव का वाला बुनना खिन जे भला। 300 ग्राम में हो जीती ने तो 2 किलो के बुने जो होबे नहीं करे है। 300 ग्राम में 350 ग्राम में हो जीती 2.5 मन के कट्ठा जो तू हमरा सिखा रहे। बुन के बर्बाद कर दा ना गेहूँ, तो बुनना का हमरा कोई जरूरत ना है। ऐसे तो जाही थोड़ा जोत है, जो जो आई दीदी कहाँ जा रहे हो? मुँह फूले ले उले ले घोसैले अगला साल जो तू बतैल हो ना दीदी गेहूँ के खेती करे ला, जो पति के बतैलिए हल तो पति गोसा अखिना लड़े लगा अखिन कखिन ना करबो खेती। ऐसा बात हो दीदी? हाँ, चला हम बता समझा देबो उनका लगबे गौमा नहीं लगी थी। अच्छा। समझा देबो कि काहे ला लड़ाई करो तो नहीं आए? बोलो 350 ग्राम में कहा है कि बोल 350 ग्राम दे के बीज बुने लगी। अब बोलो हम 2 किलो दे के बुने ही है, अजय उतना पैदा होबे नहीं करा। एक आए 2 मन 2.5 मन हो तो आप बोलो कि हम 2 किलो दे के बुने ही जे उतना पैदा नहीं होगा। काहे न गौमा होते पढ़े साल जीविका से सीख के लिए हल तो लगेली तो 2.5 मन कट्ठा हो ली। हाँ पिछला साल लगेल हो हल होलो 2.5 मन होले न तो जाके पूछो हमर मलिकवा से होली है। अच्छा ठीक है, हम तोहर मलिकवा से पूछबे जरी कैसे रोपो, जरी हमरा रोप के बता देबू तने कैसे होते जी। ठीक है बता दे। अच्छा सुबह हमारा यहीं 7 बजे चले गयो नेसरवा में, हमें गेहूँ लगेबो तोरो सिखा देबो। ठीक दीदी देख लिया। ठीक ठीक दीदी सवेरे हमारा तर आइयो बता देबो, हम हमारा भी धान काटे खको हम जा आइयो। नमस्ते दीदी। दीदी तू हमरा के बोल हो गेहूँ के बारे में, श्री विधि के बारे में जरी बता देना हमरो। यह खेत हम गहूँ जाही बुनने ला चली सिखा देबू तो जैसे बुना है श्री विधि के धान गहूँ मौसी। ठीक है दीदी इनका बता दो खल हम जाई गेहूँ के बीज लावे लगी। देखिए दीदी दूध आप खेत जोतलिए है जेकर बाद खाद गेनौरा दिलिए है और बाद फिर चौकी पर ले है। हाँ दीदी एक जोता दे दिलो गेनौरा दे के पट्टा मार दिलो तब एक में का करब हो? वैज्ञानिक रूप से जो गेहूँ लगा है ना श्री विधि। हाँ। जो चलो बता दो जन जन सामान लगा है। हाँ। जन जन हमरा पास में है चलो बता दो। इतना इतने ही सामान लगा है गेहूँ लगने में? हाँ इतना लगा है दीदी, इतनी है सेवा। हाँ ये सब गहूँ के बीज शोधन कर ले दीदी। अच्छा दीदी शोधन कर ले दीदी। ये सब लगवे ला है खेती में ना लगाई हो दीदी? अच्छा दीदी एक कट्ठा में कितना लगा है दीदी? 350 ग्राम। 350 ग्राम लगा दीदी? हम लोग तो 2 किलो गेहूँ लगाते हैं दीदी। श्री विधि से लगा है जी? ये गेनौरा है दीदी। अच्छा, एक कट्ठा में तो 50-60 किलो दे देगी जी दीदी। अगर जैविक खेती करबो ना दीदी एक कट्ठा में ना दीदी केचुआ खाद 6 किलो लगा। 6 किलो लगा है दीदी। बीज और खाद तो हम सब दे ही दीदी खेती में। ये सब कौन चीज दीदी? ये सब खुरपी है, फीता है, रस्सी है, डंटा है, कौन चीज दीदी? ये खुरपिया से ना कोड़ कोड़ के दो दो बीज दे के झाँक देना है ऐसे ऐसे करके। तो सीढ़ी विधि से ना हो गए दीदी? रसिया का ची कर दीदी में फूदना बांध हले दीदी? रसिया दीदी? हाँ। लम्बा लम्बी तान दे। हाँ। आ तान के। हाँ। आई जहाँ जहाँ गिठवा बांध हले वहाँ। हाँ। वहाँ कोड़ कोड़ के गेहूँ लगाए भी। हाँ। फूदन में कितना में बांध हले दीदी? 8 इंची पर। अच्छा तो फीतवा से जैसे नाप के देखियो दीदी? देख ले। हाँ दीदी तो 8 इंची है दीदी। आए दीदी दूगो डंटा है दीदी? 8 इंची के डंटा है जे। हाँ
आए दीदी एक कौची कर दीदी ये 8 इंची के डंटा है हाँ। आई लाइन के लाइन लाइन से दूरी से ले जाना है नापेला हाँ। ले दीदी रसिया हाँ। चलो तान के हमें गेहूँ कैसे लगाए सिखा रही चलो ना दीदी हम भी मदद कर देव ला दीदी डंटा बा हाँ, जा हमें ने जाइयो मदद कर रही हो दीदी तो वहाँ गड़ा दीदी हम यहाँ गड़े आवा दीदी यहाँ हम बताइए जहाँ 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 फुदना है हाँ। वहाँ वहाँ कोर के अच्छा दीदी तो दूध दाना गिराना है हाँ दूध दाना बस ये लाइन तो हो गई दीदी हाँ दीदी 8 इंची के डंटा है हाँ दीदी आखिरे से फिर दूसरा लाइन खींचना है हाँ दीदी सीख लो ना दीदी हाँ दीदी लाइन से लाइन हाँ 8-8 इंची के दूरी दूरी हाँ दीदी बुनना है हाँ दीदी वैज्ञानिक तरीका से गेहूँ के खेती करे से पहला तो बीज कम लगाए दीदी दूसरा में चूहा नहीं लगा है तीसरा में कन्नी ज्यादा होबा है पौधा बढ़िया बढ़िया ज्यादा गेहूँ उपजा है इक्कीस दिन के बाद दीदी गेहूँ पटतो ओकरा में ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए आए दीदी बतैलो हो जो गेहूँ के खेती करेला बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हम जाके अपन घर खेती करबे।